नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कंगना रनौत अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में बनी रहती और हाल ही में यामी गौतम के पोस्ट पर उन्होंने कई सितारों को काफी उल्टा सीधा बोला था। लेकिन इस समय उनकी एक वीडियो वायरल हो रही जिसमें वो अपने ऑफिस में स्पॉट हुई थी। ये वही ऑफिस है जो बीएमसी के द्वारा तोड़ा गया था। कंगना रनौत ने यहाँ का जायजा लिया था। कंगना की ये वीडियो देख साफ लग रहा है कि उनके ऑफिस में इस वक्त रेनोवेशन का काम किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही कंगना रनौत यहाँ पर पहुंची तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। दरअसल कोरोना काल में जब कई स्टार सेफ्टी पर काफी ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, वही कंगना रनौत ने इस दौरान मास्क नहीं पहना। ऐसा पहली बार भी नहीं है कि कंगना गलती से मास्क लगाना भूल गई। वो कई बार बिना मास्क के स्पॉट की गई। हालांकि बार बार ट्रोल होने के बाद भी कंगना बिना मास्क के दिख जाती और इस बार भी ऐसा ही हुआ, जिसे देख फैंस भड़क गए। कंगना रनौत वीडियो में सफेद कपड़ों में बिना मास्क के नजर आ रही। यूजर्स का कहना है कि कंगना रनौत को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एक यूजर ने कंगना को ट्रोल करते हुए लिखा, ये औरत कभी मास्क क्यों नहीं पहनती, सनग्लासेस पहनना याद है लेकिन मास्क नहीं। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, अरेस्ट करो इसको, ये बिना मास्क के घूम रही। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, व्हाई डू यू इवन पैप दिस लेडी, शी इज नॉट वर्थ इट। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, पागल औरत आ गई, एक ऐसा भी वक्त था जब मैं उसे बहुत पसंद करती थी क्योंकि वो SSR के जस्टिस के लिए लड़ी थी, फिर बाद में पता चला ये तो अपना दुकान चला रही। तो देखा आपने, कंगना को मास्क ना पहनना काफी भारी पड़ गया। वैसे ट्रोल होना कंगना के लिए अब आम ही बात हो गई। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब कंगना ट्रोलिंग का शिकार ना होती। कुछ दिनों पहले ही एक्ट्रेस कोरोना की चपेट में आ गई थी, जिसकी जानकारी देते हुए कंगना ने कोरोना को मामूली सा फ्लू बताया था। कंगना के इस बयान पर काफी विवाद भी हुआ था, तब भी इस बात के चलते कंगना को काफी ट्रोल किया गया था। बात करें कंगना के वर्क फ्रंट की तो जल्द ही वो धाकड़, तेजस और थलाइवी में नजर आने वाली। वही चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको कंगना का वो वीडियो जिसमें वो बता रही हैं कि कोरोना से जंग जीतने के बाद उन्होंने किस तरह अपना ध्यान रखा। अपनी कोरोना की जर्नी के बारे में बताती आई हूँ, जो मेरी कोरोना के अगेंस्ट फाइट रही है, और आज मैं आपको कोरोना रिकवरी के बारे में अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी। कोरोना, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे एक आम साधारण सर्दी जुकाम होता है, वैसा ही मेरा एक्सपीरियंस रहा कोरोना के अगेंस्ट। मगर दोस्तों, जो रिकवरी है इसमें मेरे साथ काफी शॉकिंग चीजें हुई जो कि मैंने इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। अक्सर हमने देखा है कि जब भी बचपन से हम कभी भी बीमार हो, मुझे एक बार बहुत पीलिया हुआ था, फिर एक बार बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मैं काफी ग्रस्त थी, 1.5 साल बेड पे ही थी, टांग टूट गई थी मेरी। तो हमने हमेशा देखा है कि जैसे भी हम किसी इस तरह की दुर्घटना से जब रिकवर हमारा शरीर होने लगता है, तो चाहे कम समय में रिकवर हो चाहे ज्यादा समय में रिकवर हो, लेकिन एक बार जब रिकवर होने लगता है तो परपेचुअली फिर रिकवर होता जाता है। लेकिन दोस्तों, जो कोरोना है इसमें एक बहुत ही जो शॉकिंग चीज मैंने महसूस की कि ये आपको एक फॉल्स रिकवरी देता है। जैसे मेरा नेगेटिव आने के ऑलमोस्ट 1-2 दिन में ही मुझे ऐसे लगा कि मैं 100% ठीक हो चुकी हूँ। अब मैं कोई भी काम, चाहे वो वर्कआउट हो या एक्टिंग शिफ्ट्स हो, वर्किंग शिफ्ट्स हो, या दोस्तों के साथ काम करना हो, बातें करना हो, मैं जितना पहले जिस क्षमता से कर सकती थी अब भी उसी क्षमता से कर सकती हूँ। लेकिन वो एक फॉल्स रिकवरी थी। जैसे ही मैं घर से निकली या कुछ करने की कोशिश की तो पता चल रहा है कि मैं फिर से एक बहुत जबरदस्त रिलैप्स की शिकार हो जा रही हूँ, फिर से बेड रिडन। ऐसा लग रहा है कि जैसे उठा ही नहीं जा रहा बिस्तर से, हल्का गला दर्द भी होना शुरू हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि आपको ऑलमोस्ट बुखार भी आने शुरू हो गए हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो वायरस है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ट्रीटेड है, क्योंकि जो मेरा अनुभव रहा कि इस जैसे आपके शरीर के अंदर ये वायरस कुछ भी डैमेज कर रहा होता है तो जो हमारे शरीर का रिस्पॉन्स है, चाहे हमारे ऑर्गन्स को फेल कर रहा होता है या ब्रेन फॉग से हमें, कुछ लोगों को परमानेंट डिमेंशिया हो रहा है, कुछ लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, कुछ लोग जस्ट सिंपली मर जा रहे हैं, तो जो हमारी बॉडी का जो नेचुरल रिस्पॉन्स है उसको म्यूट कर देता है उस डैमेज के अगेंस्ट, चाहे हमें खून की उल्टियां होनी हो या बुखार होने हो या हमें एक फॉल्स रिकवरी की होप देता है, और फिर अचानक से जो है लोग इसी करके मर जा रहे हैं, ऑर्गन फेलियर से या ब्रीदिंग प्रॉब्लम से। तो दोस्तों, ये जो रिकवरी है
ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, जितना कि कोरोना से लड़ना हम समझते हैं जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ज्यादा जरूरी है। आई थिंक ये वायरस जो है अपना असली काम, ये आफ्टर नेगेटिव आने के बाद ये अपना असली काम करने लगता है आपके शरीर पर। तो मेरा ये अनुभव रहा और एक बार ऐसा रिलैप्स नहीं हुआ, फिर से दो तीन दिन में मुझे ऐसा लगा कि, और लगा ही नहीं, कोई कई बार तो मैं, जैसे होता है दो दो घंटे एक्सरसाइज करना या रनिंग पे जाना या कुछ करना, बहुत, और कोई सिम्टम्स नहीं उसके बाद, लेकिन अगले दिन या शाम में फिर से बहुत जबरदस्त रिलैप्स हो जाना। और ऐसा मेरे साथ एक नहीं, चार पांच बार हो गया, और जबकि कल मेरे 14 डेज पूरे होने वाले हैं जब से मैं नेगेटिव आई हूं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगी, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से बात की, जो लोग कोरोना से पीड़ित हुए उनसे बात की, और मैं यही कहना चाहूंगी सबको कि ये जो कोरोना जो रिकवरी पीरियड है, रेस्ट पीरियड है, इसको प्लीज अनएस्टिमेट मत करिए, और अपनी स्टीमिंग भी चालू रखिए, जो भी आप गले में स्टीम, नाक में स्टीम इनहेल कर रहे हैं, लेकिन रेस्ट बहुत जरूरी है। और लेट्स जस्ट डिफीट दिस वायरस। थैंक यू, जय हिंद।